हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप के सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और एक नया जॉब वैकेंसी का वीडियो। हाँ, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। कैसे ज्वाइनिंग होगा, कौन सा लोकेशन है, जॉब लोकेशन कौन सा है, पेमेंट कितना होगा, कैसे ज्वाइनिंग होगा, कौन सा कंपनी है, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जॉब लोकेशन है आपका कलकत्ता में। हाँ, आज मैं बताऊंगा कलकत्ता में एक ऐसा कंपनी है जो है बहुत बढ़िया कंपनी है, उस कंपनी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, वो कंपनी का नाम है गैलेक्सी सिक्योरिटी सर्विस। हाँ, वो बहुत एक बढ़िया कंपनी है, इसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए। अगर आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस है काम का तो आप कर सकते हो, अगर फ्रेशर है तो भी आप लोग इस कंपनी में काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस कंपनी में काम करने के लिए। तो ये कंपनी का लोकेशन है कलकत्ता में, और कंपनी का जिधर एड्रेस है मैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उधर से जाके चेक कर सकते हो। और वीडियो के अंदर मैं फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, आप लोग फ़ोन नंबर से बात कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो फुल डिटेल्स आप लोग फ़ोन करके भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, गैलेक्सी सिक्योरिटी सर्विस इस कंपनी में ज्वाइनिंग कैसे होंगे आप लोग? और एक बात आप लोगों में बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी में यूनिफॉर्म से लेके पूरा फैसिलिटी तक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है इस कंपनी में। यूनिफॉर्म भी बहुत अच्छा है, देखने के लिए बहुत अच्छा यूनिफॉर्म है इस कंपनी में, और PF, ESI ये सब कुछ फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाएगी इस कंपनी से। हाँ, और ये कंपनी का लोकेशन है कलकत्ता में, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा कॉमेंट आया था कि सर कलकत्ता के अंदर में कोई जॉब वैकेंसी का वीडियो अगर ला सकते हो तो लाइए। तो आज मैं इसीलिए कलकत्ता के अंदर आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कंपनी में ये लोग आप लोग ट्राई कर सकते हो इस कंपनी में। तो इस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए कम से कम आप लोगों को 10 पास होना चाहिए। हाँ, 10 पास अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा, कम से कम 10 पास होना चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। और आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और 10 पास का सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आप लोगों को जेरोक्स कॉपी लेके जाना है ऑफिस में। ऑफिस एड्रेस मैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप लोग उधर में जाके देख सकते हो या फिर गूगल में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोगों को सब कुछ फुल डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। और इस कंपनी में 8 घंटा का 12 घंटा का दोनों ड्यूटी अवेलेबल है, आप लोग चाहोगे तो 8 घंटा भी कर सकते हो, 12 घंटा का ड्यूटी भी कर सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। लेकिन पेमेंट कितना आएगा इस कंपनी में? इस कंपनी में 8 घंटा में कम से कम 11 से 12 हज़ार पेमेंट आप लोगों को मिल जाएगा, और 12 घंटा में कम से कम 14 से 15 हज़ार तक पेमेंट आप लोगों को इस कंपनी में मिल जाएगा। OT अवेलेबल है, OT करेंगे तो और भी पेमेंट एक्स्ट्रा होगा। लेकिन रहने के लिए ज़्यादातर कंपनी कलकत्ता में जो है वो लोग रूम फैसिलिटी दे देता है। हाँ, रूम फैसिलिटी मिलता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा साइट है जिधर रूम फैसिलिटी नहीं मिलता है, लेकिन वो साइट के ऊपर निर्भर है। ज़्यादातर साइट में रूम फैसिलिटी मिल जाता है, और फूड फैसिलिटी खुद का है, फूड फैसिलिटी कंपनी नहीं देगा, वो आपका खुद का है। और PF, ESI ये सब कुछ फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाएगा इस कंपनी का तरफ से। और फ्रेंड्स, मैं पहले भी आप लोगों को बोला हूँ कि कलकत्ता में पेमेंट थोड़ा कम मिलता है, बेंगलोर में पेमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ, उधर से इधर बहुत पेमेंट अलग होता है। हाँ, उधर में जैसे 12 घंटा में 22 से 24 हज़ार तक पेमेंट मिल जाता है, इधर में ऐसे ही 12 से 14 हज़ार तक कलकत्ता में मिलेगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिर भी आप लोग बोला था कि कलकत्ता के अंदर कोई अच्छा अगर कंपनी है तो थोड़ा बताइए, तो इसीलिए आप लोगों को बताया। तो फ्रेंड्स, सब कुछ बताया मैं इस वीडियो के अंदर में, कैसे ज्वाइनिंग होगा, कौन सा कंपनी में कितना सैलरी है, सब कुछ बोला हूँ आप लोगों को। आई होप के सब आप लोग समझ गए हैं, फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। तो सब अच्छे से रहिए। ओके, बाय, टाटा।